कुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। घाघरा थाना क्षेत्र के कोटामाटी गांव से हुए 10 मार्च 2021 को भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के रुपए लूटकांड में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मी महिला मंडल से वसूल कर उक्त फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारी स्कूटी से घाघरा लौट रहे थे। उसी दौरान गांव के 3 मुहानी के पास 4 अपराधियों के द्वारा वादी विकास कुमार साहू का सर पिस्टल बट से मारकर जख्मी कर भारत फाइनेंस का स्कूटी, 52,000 रुपए, 1 टैब एवं 2 मोबाइल बैग सहित अन्य सामान की लूट हुई थी। इस मामले में घाघरा पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुमला प्रभारी SP डॉक्टर समश तबरेज ने बताया कि गुमला पुलिस इस लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। वहीं इनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने पूर्व में भी बताया है कि हमारे जो पुलिस अधीक्षक गुमला हैं वो अवकाश पे हैं और अतिरिक्त प्रभार मुझे SP सिमडेगा को मिला है। ये बड़ा अच्छा लगा कि 3 दिन हुए और 2 बड़ी बड़ी उपलब्धियां यहाँ के पदाधिकारियों ने दिखाया है। बड़े प्रतिभावान, बहुत ही मेरिटोरियस ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। मैं बड़े शान के साथ ये कह सकता हूँ, चूँकि आपने देखा कि 2 TPC के सक्रिय सदस्यों को इन्होंने धर दबोचा। और आज बड़ा अच्छा लगा कि 10 मार्च की घटना थी, आपका कोटा माटी है, वहाँ पे एक भारत फाइनेंस इंश्योरेंस लिमिटेड के 2 लोगों से लूट हुई थी और लूट हुई रकम लूटा गया, उनसे मोबाइल लूटे गए, गाड़ी भी लूट हुई और फिरार हो गए अपराधी। बहुत मेहनत की इन लोगों ने। विशेष रूप से मैंने देखा कि थाना प्रभारी घाघरा ने अपनी पूरी टीम के साथ बहुत ही लगन के साथ, तत्परता पूर्वक के साथ पूर्वक इन्होंने मेहनत की है और उसका फलाफल सामने है। गिरफ्तारियां 3 हुई हैं, शरीक मियां, संतोष महतो और राज उराव, ये 3 गिरफ्तार किए गए हैं। देशी पिस्तौल बरामद हुआ है, जिंदा कारतूस 2 बरामद हुए हैं, मोबाइल सेट रिकवर हो गया है और फिर स्कूटी भी बरामद हुई है, रकम 2,050 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तारियां 3 हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है और इसी तरह से मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि ऐसी उपलब्धियां देते रहें, इससे आम जनता में पुलिस की छवि बहुत ही अच्छी बनती है और पुलिस मित्र का जो हम लोगों का एक नया कंसेप्ट है और जो कम्युनिटी पुलिसिंग पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें जनता से नज़दीक जाने का ये बहुत बड़ा इन्होंने अपना रास्ता निकाला है। इसी तरह से करते रहें और ऐसे कार्यों से बिल्कुल वरी पदाधिकारी खुश तो होते ही हैं। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।